हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का व्लॉग। सबसे पहले मैं आपसे आज ये शेयर करूँगी कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा था, ना तो यूट्यूब वीडियो डालने का और ना ही ज़्यादा पढ़ाई करने का। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है लाइफ में। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये एकदम ओके है, ये सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो फिर मैंने अपने इमोशंस को चेकआउट किया और फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊँगी चाय पीने के बाद। यहाँ पर मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ क्योंकि जब भी मुझे अपना मूड ठीक करना होता है तो मैं चाय थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे फ्रेश फील होता है और मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो जब भी आपको लो फील होता है तो प्लीज़ आपको जो भी सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो काम करिए। मे बी किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाने के बाद उनको अच्छा फील होता है, किसी को शॉपिंग करने के बाद फील होता है, या फिर किसी को अपने पार्टनर के साथ बात करने पर फील होता है। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बुक रीडिंग करने, क्योंकि अभी मेरे लिए बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे फेज में होते हैं जब हमारी एनर्जी बहुत हाई नहीं होती है, तो बुक रीडिंग वहां पर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड द बुक विच आई एम रीडिंग हियर इज हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एंड दिस बुक फिट्स माय सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज करेंटली आई एम लिविंग इन अ स्टेट ऑफ वरी एंड आई जस्ट नीड टू गेट रीड ऑफ दिस एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई होप दैट आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई विल बी एबल टू डू सो। इन फैक्ट आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक लास्ट नाइट एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द टू चैप्टर्स एंड नाउ आई एम इन द थर्ड चैप्टर। एंड टूडे I will tell you that how the book helps you to get out of your worry. If you are in the same situation as mine, then I am telling you the method right now. But I will tell you the method in Hindi language because almost my all viewers are Hindi speakers and I want to help them all. So let's start the method. तो इस बुक के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में ऑथर ने तीन ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने वरी वाले सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। मैंने इन तीनों स्टेप्स को कल रात में ही फॉलो किया था, तो आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आज का व्लॉग लेना चाहिए और यूट्यूब पर उसे अपलोड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप उसका क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपकी करेंट सिचुएशन है, जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, आप उसका वर्स्ट सोच लीजिए। जैसे मेरे केस में क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि KVSPRT का क्या होगा, BEd वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मैंने इसका वर्ड सोच लिया कि हाँ ठीक है, चलो BEd वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा और मेरा जॉब नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे वर्स्ट है आप उसको सोचिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये था कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, अगर मेरा जॉब नहीं होगा तो क्या। उसके बाद उन ऑप्शंस को लिखिए कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शंस को लिखा कि आगे मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और इसका थर्ड स्टेप था कि उस ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो बस इन तीन स्टेप्स को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपने वरी वाले सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ें इस बुक की केवल फर्स्ट चैप्टर में दी हुई थी, अभी पूरा बुक जो है वो पढ़ना बाकी है। तो जब मैं पूरा बुक पढ़ लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके बाद मैं क्या फ़ील कर रही हूँ और क्या क्या मैंने इस बुक से सीखा है। इसके अलावा खुद पर मैंने काम करना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो इसके लिए अब मैं जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारीज़ के आश्रम में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन करने का भी मन कर रहा था और मैं घर में मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को समझें कि आपके मन को किस चीज़ की ज़रूरत है अभी। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे मन को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी। और ये देखिए, ये ब्रह्मा कुमारीज आश्रम का हॉल है और यहाँ पर है हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और उसके ऊपर हमारे प्यारे शिव बाबा। तो बस आज यहाँ पर मैंने मेडिटेशन किया,
लगभग मैंने हाफ एन आवर का टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और मैं आपको नहीं बता सकती कि हाफ एन आवर में मुझे कितना अच्छा फील हुआ, कितनी ज़्यादा शांति फील हुई। कभी कभी क्या होता है हमारे लिए, कभी कभी हमारे लिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट कभी कभी नहीं, हमारे लिए हमेशा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ वहाँ से हमें ये प्रसाद में मिला था और अभी मैं ये प्रसाद खा लूँगी और इसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊँगी और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट तो कर रही थी लेकिन बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो इसीलिए मैंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है। और आज शाम में भी मुझे जाना है ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय और आज अभी मैं कंटिन्यू लगभग 10 से 15 दिन जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाना शुरू करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, मेंटल पीस भी बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आज मैं पढ़ रही हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर मैं पढ़ने जा रही हूँ जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्लास 10th तक के सिलेबस को क्यों कंप्लीट कर रही हूँ। तो बस इसलिए ताकि मैं एक मंथ या दो मंथ के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करूँ, ताकि मेरा अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड हो, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर सके। तो बस मिलती हूँ आपसे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया था और इसके बाद मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, सारे नहीं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि आपके फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि अपने ऊपर काम कैसे करना है, या फिर अपने ऊपर काम करना भी है तो कौन सा काम करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मेंटल पीस के लिए काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके अलावा एक्सरसाइज करके अपने फिजिकल बॉडी को फिट कीजिए। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, कंप्यूटर सीख लीजिए, ड्राइंग सीख लीजिए, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख लीजिए। तो इस ये सारे स्किल्स को जब आप बढ़ाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एलिजिबल होते जाएंगे। मैंने लगभग हाफ एन आवर का रेस्ट लिया था और इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है पेडागॉजी है। पेडागॉजी में आज मैं पढ़ने वाली हूँ NCF 2005। इसके अलावा आज मैंने माइक्रो टीचिंग भी पढ़ी है और NCERT के अकॉर्डिंग कितने सारे स्किल्स हैं उनको भी पढ़ा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे पढ़ाई करने के बाद। चलिए आज मैंने NCF पढ़ाई है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। NCF 2005 जो था वो हमारे देश का 4th NCF था और इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी, क्योंकि यशपाल कमेटी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था। और इसके अलावा NCF जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को उसके इमीडिएट एनवायरमेंट से जोड़ा जाए। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अब मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए, और इसके बाद का जो टाइम होगा उसको मैं कम्प्लीटली फोकस करूँगी इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि 21 डेज़ का जो चैलेंज है मेरा इंग्लिश सीखने का वो अभी भी बरकरार है और मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत हद तक बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और इनफैक्ट अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं किसी से भी सामने जाकर बात कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मैं इसमें और ज़्यादा काम करूँगी। ऐसा नहीं है कि 21 दिन के बाद मैं इस पर काम करना छोड़ दूँगी। इसके बाद
बाद भी जब तक केवीएस इंटरव्यू की डेट नहीं आ जाती तब तक मैं इंग्लिश पर काम करती रहूँगी, क्योंकि अब मैं इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखना चाहती हूँ। जब मैंने एक बार शुरुआत कर दी है सीखने की तो अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं और अच्छे से सीखूँ और अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ले आऊँ। आज मैं दोपहर में खा रही थी सब्ज़ी और चावल, और मैं आपको बता दूं कि सब्ज़ी चावल मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ मूवी, क्योंकि इंग्लिश सीखने में मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई चीज़ कर रही है तो वो है मूवीज़। और मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर मूवीज़ इंग्लिश में देखनी है तो वो आपको यूट्यूब पर ईज़िली अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं अवेलेबल। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर सकते हैं या Z5, बहुत सारे ऐप्स हैं और उनका सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, मूवीज़ देखने टाइम सबटाइटल्स एकदम ऑन करके रखिए, या वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मुझे शाम में फिर से ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।